क्लास सिक्स, जैसा कि आपको पता है हमारा जो चैप्टर चल रहा है सेवन फ्रैक्शन, हमने इसमें कुछ टॉपिक कवर कर लिया है जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, लाइक अनलाइक से लाइक में चेंज करना, कंपेयर करना, दो फ्रैक्शन के बीच में कंपेयरिंग करना सीख लिया है, राइट। आज कन्वर्ट करना ही सीखेंगे बट किसी अदर टॉपिक पे, जैसे कि मिक्स से इम्प्रॉपर में। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है होल का और प्रॉपर का, होल और प्रॉपर दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं तो मिक्स हो जाता है। अब इसको इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं, इम्प्रॉपर क्या होता है, तो न्यूमिरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जब न्यूमिरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से तो हमारा इम्प्रॉपर हो जाता है, और सिर्फ अगर इसी को अपोजिट कर दिया जाए न्यूमिरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमिरेटर लेस होगा डिनोमिनेटर से तो ये प्रॉपर हो जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ओके, अब प्यारे बच्चों यहां पे आपको दिख रहा है, इसको रीड क्या करते हैं, फाइव होल फाइव पॉन सेवन, राइट। फर्स्ट पार्ट लेते हैं, फाइव होल फाइव पॉन सेवन। अब पहला स्टेप तो हमारा होगा सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन लिखेंगे, लिख लिए। अब इसी को एज इट इज लिख देंगे, इस फ्रैक्शन को फाइव होल फाइव पॉन सेवन। सेकेंड स्टेप जो होगा प्यारे बच्चों, होल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, ये होल है, होल नंबर हो गया और ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। होल मतलब होल नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, होल नंबर क्या होता है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सो ऑन। ओके, नेचुरल में होल को ऐड कर देते हैं, मीन्स काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर में काउंटिंग नंबर। ओके, अब ये हमारा नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे सेवन लिखेंगे, फाइव यहाँ पे लिखेंगे, सेवन प्लस सेवन से मल्टीप्लाई होगा प्लस हमारा फाइव हो जाएगा। इसमें देखिए पहले हमें जहां पे यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर क्या लिया, सेवन, तो सेवन लिख देंगे, सेपरेटर का साइन थोड़ा बड़ा करेंगे, फिर ये फाइव यहाँ पे लिखेंगे और इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो मैंने कर दिया। और रिमाइंडर जो यहाँ पे देखिए ये जो नंबर है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ओके, अब प्यारे बच्चों आगे का स्टेप करते हैं, सेवन एज इट इज लिखेंगे, सेवन फाइव जा थर्टी फाइव हो जाएगा, जैसे कि आपको ट्रिपल पता है, प्लस फाइव हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चलना है, जिसको आपको समझ में आएगा, डायरेक्ट आप नहीं करना है, आपको स्टेप करना है, स्टेप से करना है, जिससे मार्क्स आपको मिलेंगे। डायरेक्ट करोगे तो डायरेक्ट मार्क्स मिलेगा, मीन्स कम हो जाएगा ना। अब इसको ऐड कर देंगे तो 35 प्लस 5 40 हो जाएगा और ये हमारा 7 हो गया। अब ये फाइनल आंसर हमें मिल गया और ये जो हमें फ्रैक्शन मिला है ये इम्प्रॉपर है, कहां से हमने पाया, मिक्स से। तो मिक्स फ्रैक्शन को चेंज किया, ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये ही चेंज होके हमारा बन गया इम्प्रॉपर में, राइट। ये हमारा मिक्स है और ये हमारा इम्प्रॉपर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू की, मेथड वही रहेगा, जो भी क्वेश्चन हो इस तरीके के मेथड क्या होंगे, सेम होंगे। नाइन होल थ्री अपॉन एट हो गया हमारा। ओके, इसमें भी हम सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन, ओके एज इट इज इसी को लिख लेंगे, इक्वल टू फिर होल नंबर प्लस प्रॉपर फंक्शन। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा प्यारे बच्चों, इस तरीके का नाइन लिखे, एट पहले लिख दीजिए यहाँ पे, ये ठीक है, ये वाला एट लिख देंगे ऐसे, फिर नाइन लिखेंगे, फिर एट से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ दिख रहा इसको ऐड कर देंगे। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप सेपरेटर का साइन लिखेंगे और एट लिख देंगे, और फिर एट नाइन जा 72, राइट, जैसे कि आपको पता है प्लस 3, एट एज इट इज लिख देंगे, राइट, 72 प्लस 3 ये 75 हो जाएगा, राइट, एज इट इज हमारा आंसर आ गया। ओके, अब फिर यहां देखिए, यहां पे भी हमारा कौन सा मिला है, सॉरी यहां पे देखिए, यहां हमें मिल गया, मीन्स क्या, मिक्स है इम्प्रॉपर, राइट। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब दो
हमारे दो पार्ट टू पार्ट हो गए। अब ऑर्डर फोर्स करते हैं। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट, इसको अच्छे से देखिए, सॉल्यूशन लिखना है, स्टेप बनाना सीखिए। डायरेक्ट करते हैं ना, इसलिए मार्क्स नहीं मिलता। आप लोग डायरेक्ट आंसर स्टेप बनाना सीखिए, स्टेप कैसे बनाएंगे। ओके, सिक्स होल 3/10 हो जाएगा। ओके, ये पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप, होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, सेकेंड स्टेप यहाँ पे लिख देंगे 10 को एज इट इज, और फिर 6 को लिखेंगे, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 कर लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से देखिए। अब देखिए 10 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा। 10 6 से 60 प्लस 3, राइट, सेपरेटर का साइन, 10 एज इट इज एड कर देंगे तो 63 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों ये देखिए हमारा फाइनल आंसर मिल गया, मीन्स क्या, ये हमारा इम्प्रॉपर हो गया। अब फोर्थ पार्ट करते हैं। ओके, 3 होल 5/11 हो गया, राइट। इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे अब तक करते आए, मेथड कोई एक्स्ट्रा नहीं लगाना, एज इट इज इसको लिख देंगे 3 होल 5/11, राइट। अब होल नंबर को अलग, प्रॉपर फ्रैक्शन को अलग, तो होल नंबर 3 है प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन 5/11। अब कोई पूछे ये क्या है, होल नंबर ये क्या है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन, दोनों को एक साथ मिला देंगे तो क्या होगा, मिक्स फ्रैक्शन, राइट। हमारे प्यारे बच्चों आपको कॉन्सेप्ट पता है, कॉन्सेप्ट बोले तो पावर, पावर आपके पास है तो मैथ सर। ओके, 11 लिखेंगे, 3 × 11 + 5, राइट। ओके, 11 एज इट इज लिख देंगे, 11 त्रीजा या 3 इलेवनजा, तो 11 त्रीजा पढ़ते हैं, 11 त्रीजा 33, ओके, प्लस 5, 3 और 33, 30 सॉरी 5 33 38 हो जाएगा। ओके, अब 38/11 इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, अभी फाइनली आंसर मिल गया हमें। अब लास्ट पार्ट बचा है, इरेज करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। ओके, आप तो मेथड को समझ गया, कॉन्सेप्ट बस समझना है, इस कॉन्सेप्ट पे सॉल्व हो रहा है, इसमें की इसमें का कोई भी क्वेश्चन होगा मेथड हमारा सेम लगेगा। ओके, 10 होल 9/14 है, राइट। हमारा सॉल्यूशन लिखना है, पहला स्टेप तो सॉल्यूशन का ही है, तो सॉल्यूशन लिखना है, लिखिए। अब एज इट इज इसको लिख देंगे मिक्स फ्रैक्शन को, 10 होल 9/14 हो गया। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, होल को नंबर को अलग, प्रॉपर फ्रैक्शन को अलग, तो होल नंबर ये हो गया प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट सेपरेटर का साइन, ये सेपरेटर बोलते हैं इस साइन को, 14 हो गया, 10 × 14 + 9। ओके, सेपरेटर का साइन हो गया, एज इट इज 14 ऐसे लिख देंगे। अब यहां पे देखिए 14 है और 10 है, तो डायरेक्ट आपको पता है ना, 14 × 10 = 140 + 9 ऐड कर देंगे तो 149 होगा, सेपरेटर का साइन 14 लिख दिए। अब प्यारे बच्चों ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, इम्प्रॉपर मिल गया। अब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो हम सीखेंगे प्यारे बच्चों, इम्प्रॉपर से मिक्स करना सीखेंगे, राइट। ओके, तो इस टॉपिक को हम खत्म करते हैं यहां पे, हम नेक्स्ट टॉपिक सीखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा न
नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा इम्प्रॉपर से मिक्स में चेंज करना। ओके नेक्स्ट टॉपिक टू कन्वर्ट ओके एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन into mixed fraction. Okay? कुछ क्वेश्चन लेते हैं इस पर। फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा हमारा प्यारे बच्चों 17/5 होगा। सेकेंड जो क्वेश्चन होगा हमारा 62/7 होगा। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा 101/5 फोर्थ 95/13 फोर्थ 95/13 फिफ्थ जो होगा 81/11 राइट। ओके ये स्टूडेंट्स अब बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स में। तो इम्प्रॉपर अभी मैंने बताया आपको इम्प्रॉपर होता क्या है इम्प्रॉपर, ठीक है बता देते हैं फिर से। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमेटर। इम्प्रॉपर क्या होता है न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ओके न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर राइट। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इसका मतलब ये हो गया कि न्यूमरेटर ग्रेटर होगा किससे डिनोमिनेटर से। सपोज करिए यहाँ पे मैंने लिख दिया एग्जांपल में 7/4, तो न्यूमरेटर आपका ये पार्ट न्यूमरेटर है और ये पार्ट हमारा डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर क्या है हमारा ग्रेटर है, न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो ये क्या हमारा हो गया मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके और इसी को चेंज करते हैं तो मिक्स में होता है, तो मिक्स हमने सीख लिया। अब पढ़ते हैं पहले बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स में चेंज करना है इम्प्रॉपर को राइट। ओके तो फर्स्ट पार्ट देते हैं 17/5 सॉल्यूशन हमारा हो गया। ओके 17/5 की बात करते हैं 17/5 हमें मिल गया। अब इसको आपको क्या करना है डिवाइड करना है, तो किधर डिवाइड करोगे रफ में, इधर रफ कॉलम बना लीजिए इधर डिवाइड करिए किसको 17/5 को, 17 यहाँ होगा 5 यहाँ पे होगा, डिवाइड करते हैं ये हमारा डिवाइड 3 टाइम में जाएगा 15 हो जाएगा, सबट्रैक्ट करेंगे यहाँ 2 होगा और यहाँ पे सेम नंबर तो 0 हो जाएगा। मीन्स आप इसे 0 लिखने के बजाय कट भी कर सकते हो, 0 लिखो कट करो दोनों का मतलब सेम ही हो जाएगा राइट। अब आंसर क्या मिला हमें 3 मिला। क्वोटेंट जो होता है डिवाइड का रिजल्ट होता है, रिमाइंडर को रिजल्ट नहीं बोलते हैं क्वोटेंट को बोलते हैं। ओके अब इसको क्या बोलते हैं पहले बच्चे इसे समझिए, पहले ये हमारा क्वोटेंट होता है क्योंकि आपको मैं रूल बताऊंगा तो समझना पड़ेगा ना। ओके ये जो हमारा होता है रिमाइंडर होता है, मीन शेष की बात कर रहा हूं, जो बच जाता है उसी को रिमाइंडर बोलते हैं और ये हमारा डिवाइजर होता है। ओके और ये जो हमारा है ये हमारा डिविडेंड है। ओके अब प्यारे बच्चों इसको लिखते कैसे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पे इसे समझ लो, मिक्स फ्रैक्शन को लिखने के लिए पहले हम लिखते हैं प्यारे बच्चों कोटेंट, पहले कोटेंट लिखते हैं कोटेंट। ओके सेपरेटर का साइन ऊपर हमारा जो होता है रिमाइंडर होता है,
यहाँ पे रिमाइंडर हो गया, अब यहाँ पे क्या होगा हमारा डिवाइजर होगा, मीन्स इसकी वैल्यू लिखनी है। तो अब जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा उसी तरह यहाँ पे भी लिखना, डिवाइड हमने कर लिया, देखिए कोटिंग क्या है, थ्री है, सेपरेटर का साइन लिख दिया मैंने, अब फिर देखेंगे रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हमारा टू है लिख लिया, डिवाइजर फिर देखेंगे डिवाइजर हमारा फाइव है, अभी हमारा चेंज हो गया किस फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर से मैक्स में, राइट। अब इसी तरह सारे क्वेश्चन को हम करेंगे, ये देखिए इसी मेथड से लिखते हैं, कोटेंट रिमाइंडर अपॉन मीन्स क्या, ये हमारा कोटेंट जो होगा होल में होगा और ये दोनों हो क्या होंगे हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे, राइट। अब इसको आपने नोट कर लिया, उसे इरेज करते हैं, ये पूरे को इरेज करते हैं, आपने फर्स्ट क्वेश्चन को कम्प्लीट कर लिया, फर्स्ट पार्ट हमारा कम्प्लीट हो गया, ओके, इसे भी आप समझ लिए होंगे। सेकेंड, बोर्ड छोटा है इसलिए स्पेस कम है, ठीक है, इसीलिए इरेज करना पड़ रहा। अब यहां पे देखिए प्यारे बच्चों, मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूं, ओके, डायरेक्ट मीन्स सॉल्यूशन नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे कैसे लिखना है, स्टेप कैसे बनाना, राइट। पहला स्टेप हमारा आप समझ गए होंगे, अब हमें डिवाइड करना है, डिवाइड यहां करते हैं 62 को 7 से, तो यहां पे प्यारे बच्चों 7 के टेबल में 62 लाना है बट आएगा नहीं, तो इसे छोटा लिखते हैं, डिवाइड का रूल ये या तो 62 या तो इसे छोटा, बड़ा तो नहीं, तो 7 के टेबल में 63 आता है, 9 टाइम में 62 से कम क्या आएगा 56 आएगा, कितने टाइम है 8 टाइम में, अब इसको सबट्रैक्ट कर देंगे 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ बचा 5 यहाँ पे 5 तो ये कट हो जाएगा, आंसर आया 8। तो जैसे कि मैंने बोला ना पहले आंसर लिखते हैं, 8 लिख लिया, सेपरेटर का साइन, रिमाइंडर ऊपर, डिवाइजर नीचे, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब ये इम्प्रॉपर इमेज, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पार्ट नंबर थर्ड की बात करते हैं, बहुत इजी है, आप समझ गए कॉन्सेप्ट को तो फटाफट करोगे। अब डिवाइड करो यहाँ पे, डिवाइड साइड में ही करते हैं रफ फॉर्म में, सपोज करो ये आपका क्वेश्चन है और इधर रफ फॉर्म है, मतलब ये पेज है, ये पूरा हमारा पेज है, ऐसे समझ लो ये पेज है, ठीक है, ये हमारा इधर एक आपका क्या, ये पूरा पेज हो गया, ओके, तो ये हम एक स्केल से लाइन ड्रॉ करके रफ कॉलम बना लेंगे और इधर सॉल्व करेंगे, ओके। तो करते हैं पहले बच्चों डिवाइड 101 में 5 से, तो 5 से डिवाइड करने के लिए पहले तो हम स्टार्टिंग के डिजिट देखते हैं, तो 10 डिवाइड हो जाएगा 5 से, ओके, तो 5 से डिवाइड करते हैं, सॉरी 5 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम में 10 को, अब यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 कट हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर 1। अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों 1 को लिख लिए बट ये 1 क्या है 5 से छोटा है, तो यहाँ 0 देके इसको रिमाइंडर मान लेंगे, ये तो रूल आपको पता होगा। अब हम क्वेश्चन को लिखेंगे मीन्स कोटेंट को लिखेंगे, फिर रिमाइंडर होगा, फिर यहाँ पे हमारा आ गया हमारा डिवाइस, फाइनल आंसर मिल गया। अब ये भी क्वेश्चन हो गया, फोर्थ क्वेश्चन की करें बात, देखिए कितना इजी है, आप जब क्लास में करोगे तो और तेज करोगे, घर पे इसी पे होमवर्क आपको मिलने वाला है, आज का होमवर्क जो है इसी पे रहेगा, इसी टॉपिक पे, अब फास्ट करना, ठीक है, आप डिवाइड करना है बट कॉपी पे रिप्रेजेंट करना है डिवाइड, डायरेक्ट आपको आता है करो बट कॉपी पर रिप्रेजेंट करके मुझे दिखाओगे, बहुत सारे बच्चे क्या है सिटिंग करके कर लेंगे आंसर शीट से और बोलेंगे कि हो गया, ऐसा नहीं करना, मुझे डिवाइड दिखाना है रिप्रेजेंट करके, ये तो मैं मानूंगा ही नहीं आपका आंसर, ओके। अब यहाँ देखिए 13 है और 13 का टेबल पढ़ना है लाने के लिए, तो 13 का टेबल आप पढ़ते जाइए, अब यहाँ पे क्या होगा 19 आएगा 7 टाइम में, ओके। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, सेम नंबर ये कट हो जाएगा, अब हमारा फाइनल आंसर जो आया 7 आया, तो 7 को हम लिखते हैं यहाँ पे, 7 इज कोटेंट, 4 इज रिमाइंडर, 13 इज डिवाइजर, अभी हमें आंसर मिल गया, मीन्स मिक्स फ्रैक्शन मिल गया, ओके। अब लास्ट नंबर है जो फिफ्थ है, फिफ्थ करते हैं,
फिफ्थ जो है 81/11 है, 81/11। अब फिर इसको भी उसी तरह करेंगे, पहले डिवाइड देन ड्रॉ फ्रैक्शन राइट। 81 से, ठीक है, 81 को 11 से डिवाइड करेंगे तो यहां हो जाएगा हमारा 77। 88 तो लिख नहीं पाएंगे क्योंकि बड़ा हो जाएगा, तो 7 टाइम में 77 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 में से 7 जाएगा तो 4। अब यहां पे भी 7, यहां पे भी 7 कट, ठीक है, हमें कोटेंट मिल गया। कोटेंट लिखते हैं 7, सेपरेटर का साइन, ऊपर रिमाइंडर, नीचे डिवाइजर, फाइनल आंसर मिल गया। ओके, अब ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। ओके, अरे बच्चों क्लास 6 नेक्स्ट टॉपिक जो देखिए हमारा मिक्स फ्रैक्शन को है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन है नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये आपके लिए बहुत ही नया टॉपिक है। ओके, जैसे कि इंटीजर में आप नंबर लाइन सीखे हो सेम उसी तरह, बट ये क्या हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। ओके, तो प्यारे बच्चों इसको समझते हैं कैसे करेंगे। तो पहले आप रिप्रेजेंट जो करोगे, पहले होल को करोगे, किसको, होल को, उसके बाद से हम प्रॉपर फ्रैक्शन को करेंगे। इसके लिए एक नंबर लाइन बनाना पड़ेगा, जैसा कि आपको मैंने इंटीजर में बताया है, चैप्टर 6 में आप पढ़ चुके हो नंबर लाइन कैसे बनता है। ये लाइन हो गया, स्ट्रेट होनी चाहिए। ओके, हमें कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करना है, निगेटिव नहीं, पॉजिटिव नहीं, जीरो नहीं, तो फिर कौन सा, पॉजिटिव। मैंने आपसे क्वेश्चन किया मीन्स यहाँ पे प्यारे बच्चों हमें पॉजिटिव रिप्रेजेंट करना है, मीन्स क्या है, निगेटिव नहीं करना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले हम जीरो का रिप्रेजेंट कर लेना, उसके बाद हम पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, निगेटिव से हमें मतलब नहीं है, तो करते हैं पहले थ्री को रिप्रेजेंट करना है, तो करते हैं ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, और ये हमारा 3 हो गया। ओके, और ये हमारा 4 हो गया। ओके, डिस्टेंस जो होगा आपका 0 से 1 का जो डिस्टेंस है वही 1 से 2 का, वही 2 से 3 का, और यहाँ पे थोड़ा सा अधिक है तो हम कम कर लेते हैं, इक्वल ही होना चाहिए, ये हमारा इक्वल हो गया। ओके, बट आप स्केल से करोगे तो आपको स्केल में, स्केल से जब करोगे तो वहां पे यूनिट दिया हुआ है तो वहां पे आपको गड़बड़ नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें 3 को रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने 3 को रिप्रेजेंट कर लिया। अब 3/4 को करना है, तो 3/4 जो होगा मीन्स 4, ये 3/4 इनके बीच में होगा, राइट, 3 और 4 के बीच में 3/4 आएगा, तो ये जो है इसको हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे मीन्स बीच में। ओके, इस कितने 3 से 4 को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ये 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये हमारा 4 है। ओके, अब फर्स्ट जो होगा 1/4 हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा। ओके, आगे हमें लिखने की जरूरत नहीं, 3/4 मिल गया। अब प्यारे बच्चों इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 3/4 हमें यहाँ पे हो जाएगा, रिप्रेजेंट हो जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ पे हो गया, 3/4 हो गया, अब ये टोटल हम 3/4 को रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, अब नेक्स्ट की बात करते हैं, ये तो हमारा फर्स्ट था, ये फर्स्ट वाला था, अब सेकेंड की बात करते हैं। अब सेकेंड में देखिए होल में क्या है, 2 है, तो एक लाइन और ड्रॉ करते हैं, 0 लिखेंगे, निगेटिव है ही नहीं। ओके, जब निगेटिव नहीं है तो निगेटिव हमें बनाने की जरूरत ही नहीं है, 0 लिख लिए। अब होल को लिखेंगे, ये हमारा 1 हुआ और ये हमारा 2 हुआ, और 5/7 2 और 3 के बीच में जाएगा, तो ये हमारा 3 हो गया। ओके, अब यहाँ पे 7 दिया ना, तो 2 और 3 को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मीन्स ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 हो गया। अब हमें चाहिए 5/7, तो ये 1/7 होगा, ये 2/7 होगा, ये 3/7 होगा, ये 4/7, ये हमारा 5/7, और ये 6/7,
ओके हमें चाहिए क्या, तो हमें चाहिए 5.7 राइट, 5.7 चाहिए ओके, तो 5.7 हमें यहां पे मिलेगा, तो हम टोटल यहां पे रिप्रेजेंट जो होगा हमारा 2 होल 5.7 हो जाएगा, 2 यहां पे कर लिया 5.7 यहां पे, अब ये टोटल रिप्रेजेंट करेंगे तो 5.7 2 होल 5.7 हो गया, 2 होल 5.7 को मैंने रिप्रेजेंट कर लिया ओके, 2 होल 5.7 ये रिप्रेजेंट हो गया। सीरीज करते हैं, पॉइंट से भी दिखा सकते हो, ऐसा नहीं है, इसे पॉइंट से भी आप दिखा सकते हैं ओके, पॉइंट भी लिख सकते हैं आप, और यहां पे भी एक नंबर लाइन बनाना है, और ये थोड़ा सा बड़ा है ओके, 0 लिखते हैं, इसको थोड़ा और इधर कर लेते हैं, बड़ा है तो ओके, ये 0 हो गया, देख रहे हो आपको, ये हमारा 1 हुआ, ये हमारा 2 हुआ, स्पेस कम लिए क्योंकि नंबर ज्यादा रिप्रेजेंट करना, ये हमारा 3 हुआ, ये हमारा 4 हुआ, और ये हमारा 5 हुआ, और यहाँ पे 5 होल 1/2 है, मतलब क्या हुआ, 5 तो हम रिप्रेजेंट कर लिए, और 1/2 5/6 क्या है, मीन्स 5 1/2 चाहिए, तो मतलब क्या है 5 1/2 मतलब 5.5 की बात बोले, मतलब आप ऐसा नहीं समझो, आप ऐसे समझो 5 और हाफ की बात कर रहा है, तो 5 आएगा और हाफ ऐड करना तो 6 के बीच ही में तो आएगा, तो 6 यहाँ पे हो जाएगा हमारा। अब इसको क्या करेंगे, 5 और 6 को 2 इक्वल पार्ट्स में करेंगे यहाँ पे, तो ये 1 और ये 2 हो गया हमारा ओके, अब यहाँ पे आ जाएगा 1/2 ओके, 1/2 हमें मिल गया, अब ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया 5 होल 1/2 ऐसा बना लेना, या आप पॉइंट भी दे सकते हो ओके, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। फोर्थ देखिए, फोर्थ भी सारे के सारे नंबर लाइन ऐसे ही है, आपने इससे पहले भी किया था तो भी ऐसे ही था, इसको करते हैं फिफ्थ, फोर्थ नंबर 5 होल 5.6 यहां लिख दिया मैंने। अब पहले तो 5 करना है, तो 0 वहां पे इरेज नहीं करना चाहिए था, 1 हो गया, ये हमारा 2 हुआ, ये हमारा 3 हुआ, ये हमारा 4 हुआ, और ये हमारा 5 हो गया, और ये हमारा 6। अब इसको कितने इक्वल पार्ट में, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे इसी को, तो 1 2 3 4 5 ये हमारा 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 राइट, 6 हो गया, जैसे कि आपको दिख रहा। अब 5/6 दिखाना है ना, तो 1/6 2/6 3 ये हमारा 3/6 4/6 5/6 6/6 नहीं लिखना है हमें ओके। तो लाल जो हमारा नेक्स्ट नंबर है 6/6 लिख सकते हैं, चलो भाई लिख लेते हैं, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसे, इस वाले इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बट हम इसे क्या करते हैं लिख लेते हैं ओके। अगर इसे आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा ओके, तो इसे इरेज भी कर देते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए अरे बच्चों क्या है हमारा 5.6 है, तो 5 यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ, 5.6 यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ ओके, अब ये हमारे मिल गया 5.6, तो यहाँ पे 5 होल 5.6 मिल गया हमें, ये इरेज कर देते हैं। अब लास्ट है, लास्ट फिफ्थ 7 होल 3/5 यहां पे 7 होल 3/5 है, इसे यहां पे तो नंबर ज्यादा रिप्रेजेंट करना है, मीन्स ऐसे कर लेते हैं 1 यहां पे 2 यहां पे 3 यहां पे 4 5 ये होगा हमारा 6 यहाँ पे होगा 6 और यहाँ पे हो गया 7 ओके, तो 7 हमारे यहीं पे है, तो और आगे नंबर जाएगा राइट,
तो ये 7 होगा, तो यहाँ पे लास्ट में 8 होगा, नंबर लाइन को आगे करनी पड़ेगी, ये हमारा 8 हो गया, राइट। ओके थोड़ा सा इसको अभी जोड़ लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको लाइन दिख रहा है, तो 7 तो रिप्रेजेंट हो गया यहाँ पे, ओके। अब 3/5 रिप्रेजेंट करना है, मीन 3/5, 7 रिप्रेजेंट हो गया, 3/5 करना है, तो इसको हम की 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये हो गया हमारा 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब 3/5, तो ये 1/5, 2/5, ये 3/5, ये 4/5 हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/5 नहीं करना है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा, ओके। इसे हम 5/5 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट अभी लिखने की हमें जरूरत ही नहीं है, ओके। हमें इसे लिखने की जरूरत नहीं है, हम यही तक लिख के छोड़ देंगे, ओके। अब यहाँ पे देखिए, अरे बच्चों ध्यान से, 7 यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ और 3/5 रिप्रेजेंट करना था, 3/5 यहाँ पे आना, तो ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया 7/3/5, राइट। अब ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब जो आपका होमवर्क रहेगा इसी पे रहेगा, ओके। जो टॉपिक आज पढ़े हैं इसी पे रहेगा, आप अच्छे से करना, ओके। थैंक यू।